नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे फ्रैक्चर के बाद किन गलतियों से आपको बचकर रहना है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। कभी सोचा है कि बैठे बिठाए पैर की नसें क्यों चढ़ जाती हैं? और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी कि एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे क्यों सुबह उठकर आपको सबसे पहले पानी पीना चाहिए। प्रशांत का 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसका बायां हाथ टूट गया था, फिर प्लास्टर चढ़ा। अब आप में से जिन जिन लोगों को कभी भी लाइफ में प्लास्टर लगा है, उन्हें एक बात तो पता होगी, क्या भयानक खुजली होती है। प्रशांत को भी होती थी, तो प्रशांत पेंसिल या फिर किसी भी नुकीली चीज से खुजला लेता था। कई दिनों तक ऐसा करने के बाद प्रशांत को वहां दर्द होना शुरू हो गया। प्लास्टर था तो अंदर देख भी नहीं पाता था। जब दर्द और खुजली बहुत ज्यादा बढ़ गई तो प्रशांत डॉक्टर के पास गया। पता चला उसे वहां पे घाव हुआ है और वहां इन्फेक्शन फैल गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रशांत नुकीली चीजें प्लास्टर के अंदर डालता था। अब ये गलती बहुत ज्यादा आम है, और सिर्फ यही गलती नहीं, हड्डी टूटने के बाद लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे लेने के देने पड़ सकते हैं। अब क्या है वो गलतियां जो आपको फ्रैक्चर के बाद हरगिज नहीं करनी है, चलिए जानते हैं। डॉक्टर यानी कि ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह ना लेना। देश के कई हिस्सों में आज भी लोग फ्रैक्चर होने के बाद अपने गांव में या नजदीक में वैद्य या हॉकिंग की सलाह लेके पट्टा लगवा देते हैं, और 1-2 महीने के बाद जब पट्टा खुलता है तब हड्डी तो शायद जुड़ चुकी होती है, लेकिन वो अपने सही आकार या पोजीशन में बिठी हुई नहीं होती, जिसकी वजह से फ्रैक्चर से पहले आपका हाथ या पैर जिस कैपेसिटी से काम करता है वो कर नहीं पाता है। और कई दर्दियों में ऐसा होता है कि वही डिफॉर्मिटी के साथ उनको पूरी जिंदगी बितानी पड़ सकती है। दूसरी गलती ये है कि डॉक्टर की सलाह को पूरी तरह से फॉलो ना करना। फ्रैक्चर की सारवा डॉक्टर 2 तरीके से करते हैं, या तो प्लास्टर लगा के या तो सर्जरी करके, और दोनों में आपको 1 से 1.5 महीने के लिए उनकी केयर करने को बोलते हैं। जैसे कि सर्जरी में मेडिकेशन देते हैं, कुछ एक्सरसाइज करने को बोलते हैं, और सर्जिकल साइट जहाँ ऑपरेशन किया होता है उसकी केयर करने को बोलते हैं। वो ठीक से ना करने की वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है या आजू बाजू के जॉइंट की स्टिफनेस हो सकती है। वैसे ही प्लास्टर में उसकी केयर ना करने की वजह से हड्डी जो बिठाई हुई होती है वो उसकी जगह से हिल सकती है, और उसका जुड़ना जो होता है वो नॉर्मल तरीके से नहीं होता। तीसरी गलती है कि कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा खुराक में नियत मात्रा से कम होना। फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर 1 से 2 महीने तक मेडिकेशन के तौर पर कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट देते हैं, लेकिन खुराक में उनके सोर्स जैसे कि दूध, हरी सब्जी, अंडे है, उनकी नियत मात्रा में होना उतना ही जरूरी है हड्डी जुड़ने के लिए। चौथी गलती है अल्कोहल, निकोटीन और तंबाकू जैसे पदार्थों का सेवन लंबे टाइम तक करना। अगर आप लंबे टाइम से कर भी रहे हो तो भी फ्रैक्चर होने के बाद इसको कम से कम कर देना चाहिए या तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो हड्डी जुड़ने की नेचुरल प्रोसेस है उनको स्लो डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार दर्दियों में हड्डी ना जुड़ने की या तो फिर टाइम से ना जुड़ने की तकलीफ होती है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में नॉन यूनियन या डिलेड यूनियन बोलते हैं। 5वीं गलती हम ये करते हैं कि डॉक्टर जो रेगुलर इंटरवल पे बुलाते हैं हम, वो इंटरवल पे हम जाते नहीं है हॉस्पिटल में। जनरली क्या होता है कि फ्रैक्चर होने के बाद जो रूटीन एक्टिविटी है वो स्टार्ट होने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। उस दौरान आपको रूटीन इंटरवल में हॉस्पिटल जाना होता है, जैसे कि आपकी हड्डी जुड़ने की प्रोसेस है उसको ठीक तरह से मॉनिटर किया जा सके, और अगर बीच में कोई इंटरवेंशन या मेडिकेशन बदलने की ज़रूरत है तो वो करके आपकी हड्डी जुड़ने की प्रोसेस हो उसको नेचुरल वे में चालू रख सके। तो सबसे सलाह यही है कि फ्रैक्चर होने के बाद जो रेगुलर फॉलोअप है 3 से 6 महीने का वो अवश्य दे, जिससे कि आपकी जो प्रोसेस है वो नेचुरल वे में और नॉर्मल तरीके से हो सके। क्या गलतियां आपको अवॉइड करनी है ये तो जान गए, पर ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रैक्चर के बाद लोगों को देना चाहते हैं ताकि हड्डियां सही से ठीक हो सके, हील कर सके, वो जान लीजिए। इमोबिलाइजेशन पीरियड के दौरान फैट रिच फूड यानी कि चर्बी वाले पदार्थ कम लेने चाहिए। इसी के साथ साथ कैल्शियम रिच फूड यानी कि बादाम, आलमंड्स, हरी सब्जियाँ, दूध, चीज़ इत्यादि जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो वैसी चीज़ों का सेवन बढ़ाना चाहिए। हड्डियों में कैल्शियम का लेवल बढ़ने से या अच्छा मेंटेन रहने से हीलिंग प्रोसेस फास्ट होता है। कभी भी पेशेंट को डॉक्टर की सलाह के बिना
लगाए हुए प्लास्टर को या पट्टे को या ब्रेस या दिए गए किसी भी चीज़ जिससे उस जगह को स्टेबलाइज किया गया हो, उस जगह में मूवमेंट ना हो, उसके लिए उसको लगाया गया हो, उस चीज़ को कभी भी निकालना नहीं चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी उस जगह पर किसी भी पदार्थ से रगड़ कर मालिश नहीं करनी चाहिए, ना ही उस जगह को खींच के सीधा करने की, या अगर वो जगह उस जॉइंट में मूवमेंट ना हो रही हो तो उस जॉइंट को जोर लगा के मोड़ने की कोशिश खुद से करनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह लिए बिना यह चीज़ करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। धूप सेकना या सन बाथ लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हड्डियों में विटामिन डी लेवल को मेंटेन रखने के लिए धूप ही एक पर्याप्त सोर्स है, जिससे हमें विटामिन D3 प्राप्त होता है। फ्रैक्चर की कंडीशन में हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए विटामिन D3 बहुत ही उपयोगी साबित होता है। नियमित सुबह 11 बजे से दोपहर को 2 बजे की धूप में धूप लेना, 20 से 25 मिनट से आधा घंटा धूप सेकना बहुत ही अति आवश्यक होता है। धूप सेकते समय ध्यान रखें कि आपका शरीर के पार्ट धूप पर एक्सपोज्ड हो, कपड़े जितने हो सके उतने कम से कम पहने जाए ताकि धूप आपके शरीर में डायरेक्ट लग पाए। कई बार प्लास्टर खुलने पे या इमोबिलाइजेशन पीरियड ख़त्म होने पे स्नायु या मसल्स में या मांसपेशियों में जकड़न पैदा हो जाती है, जिसे टाइटनेस कहा जाता है। इस जकड़न को दूर करने के लिए फिजियोथेरापिस्ट द्वारा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दी जाती है। नियमित स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने पर इस जकड़न को दूर किया जा सकता है। कई बार प्लास्टर निकलने के बाद या इमोबिलाइजेशन पीरियड के बाद पेशेंट को फ्रैक्चर वाली जगह के आसपास स्वेलिंग या तो सूजन आ जाती है या तो पेशेंट को वहाँ दर्द होता है। इस समय फिजियोथेरापिस्ट की सलाह के अनुसार कोल्ड पैक यानी कि बर्फ की ठंडी सिकाई या तो हॉट पैक यानी कि गर्म सिकाई, फिजियोथेरापिस्ट की सलाह लेकर इन दोनों में से जैसे फिजियोथेरापिस्ट आपको एडवाइस करे उस हिसाब से सिकाई करने पे स्वेलिंग और दर्द में बहुत राहत प्राप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि फ्रैक्चर के बाद आपकी हड्डियां सही सलामत रहें तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि अचानक पैर की नसें चढ़ जाती हैं? सोते समय मेरे साथ तो ये बहुत होता है, पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? दरअसल आपकी जो मांसपेशियां होती है, जो मसल्स होती हैं, सिकुड़ती हैं और फिर रिलैक्स होती हैं। मांसपेशियां लगातार काम करती रहें उसके लिए प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। जब चलने पर, भागने पर या किसी भी कारण से आपकी जो मसल्स हैं उन पर प्रेशर पड़ता है तो वो सिकुड़ती हैं, थोड़ी देर बाद वो रिलैक्स हो जाती हैं। पर अगर सिकुड़ने के बाद मांसपेशियां रिलैक्स ना हो, सिकड़े हुई रह जाएं, तो उसमें करंट रहता है। अंग्रेजी में से हम कहते हैं मसल का स्पैज़म, यानी मसल स्पैज़म। इस केस में मसल्स जो हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो एकदम टाइट हो जाती हैं और वहाँ पे आपको दर्द महसूस होता है। इसे आम भाषा में आप कहते हैं कि नस के ऊपर नस चढ़ गई, पर असल में ऐसा नहीं होता है कि नस के ऊपर दूसरी नस चढ़ जाए। देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं इसे ठीक करने के लिए, हल्का सा स्ट्रेच करिए और जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी नस चढ़ी है वहाँ पर धीरे धीरे मसाज करिए। आप अपने हाथ को या पैर को स्ट्रेच करके रख सकते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। हमने बड़े बुजुर्ग, डॉक्टर्स, सबको ये कहते हुए सुना है कि सुबह उठकर खाली पेट पानी पीना चाहिए, पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए, खाली पेट पानी पीने से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। आप जो खाना खाते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पचता है। पर ध्यान रहे कि ये जो पानी आप पीते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, कि फ्रिज से निकाल के पानी मत पीजिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म करके पानी पीजिए। या तो रूम टेम्परेचर पर हो ये पानी या फिर थोड़ा सा गुनगुना हो। आप इस पानी में थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, इससे आपको विटामिन सी मिलता है और आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं। टॉक्सिन्स यानी कि एक पॉइजन, एक तरीके का पॉइजन होता है ये, जो आपके सेल्स बनाते हैं, आपके शरीर के सेल्स बनाते हैं। तो जब आप विटामिन सी पीते हैं तो आपकी बॉडी साफ होती है अंदर से। आज सेहत में इतना ही।
अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं तरुण। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया। लटक धरने पर चलें और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दें। कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुम से। उसमें भी मैं घटता रहे तुम बढ़ता रहे तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुरशी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच का नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का। का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।